फाइंड आउट दट द फिगर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड आंसर फिगर विच मेक्स द राइट साइड प्रॉब्लम फिगर अम्प्लीट स्क् नंबर ऑफ द फिगर सेलेक्टेड बाई यू तो यहाँ पे देखिये इससे कम्प्लीट करना है तो इससे कम्प्लीट करने के लिए यहाँ पर ऐसा फिगर होना चाहिए ऐसे एन देन ऐसे आके ये देन ऐसे देन यहाँ पर देन ऐसे आके ऐसे होना चाहिए तो यहाँ पर अगर हम इसे नोटिस करें तो ये वाला जो पार्ट है आपके पास सो यहाँ पर ये वाला पार्ट ऐसे आके देन ये वाला देन 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 दिस 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 एंड ठीक है एक तो ये पार्ट है आपके पास ठीक है एक और अगर हम नोटिस करें ये वाला पार्ट तो यहाँ पर जो है आपके पास वो ये आ गया ये वाला पार्ट एंड देन देखिए यहां भी ब्लैंक है और यहाँ भी ब्लैंक है तो दोनों ब्लैंक नहीं हो सकता तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी तो एलिमिनेट हो गया ठीक है देन ये वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता बिकॉज ऐसा शेप हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट हो गया एक बार ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं ऑप्शन बी ये आ गया आपके पास देन यहाँ पर ये ब्लैंक है तो उसको फिल करने के लिए आ गया देन यहाँ पर ऐसी शेप है ये देन उसके बाद ये है एंड देन ऐसा है बट यहां पर देखिए यहां पर हमें एम शेप में चाहिए सो एम शेप आपके पास यही है एम शेप है देन देखिए यहां पर ब्लैंक है और यहाँ भी ब्लैंक है तो ये ब्लैंक ब्लैंक एक दूसरे को फिल नहीं करेंगे तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया ठीक है ये ऑलरेडी एलिमिनेटेड था यहाँ पर देखिए ये आपके पास ब्लैंक है यहां पर तो ये ब्लैंक नहीं है तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा तो यहां पर आएगा ओनली ऑप्शन डी ओनली ऑप्शन डी कैन ओनली ऑप्शन डी कैन कंप्लीट दस स्क्वायर कैन कंप्लीट दस स्क्वायर ठीक है जहां पर फिल है वहां पे हमें खाली चाहिए और जहां पर खाली चाहिए खाली है ब्लैंक है वहां पर हमें फिल चाहिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर